रायपुर शहर में रविवार के दिन लगने वाला लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। व्यवसायिक संस्थाओं को अपनी दुकान खोलने की छूट मिली है। रविवार के दिन अवकाश की वजह से बाजारों में भीड़ भी देखी जा रही है। भारी संख्या में लोग बाजारों में भीड़ बढ़ाकर सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की बाजार में ज्यादा भीड़ न बढ़े, जिस वजह से पुलिस की गाड़ियां भी बाजार में घूमती रही नजर आ रही हैं, जिससे भीड़ बढ़ती है तो उसे पुलिस के द्वारा नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में कोरोना से सार्वजनिक प्रभावित जिला रायपुर ही है। प्रदेश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 29,292 है, जबकि राजधानी रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,127 है। विगत 3 माह के बाद आज से रायपुर शहर का रविवार भी अनलॉक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आज हम कुल बाजार में मौजूद है, जहां पर लोग भीड़ बनाए हुए खड़े हुए हैं। यहाँ आज संडे है तो लोगों के अवकाश का भी दिन है, इस वजह से भी यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। हालांकि अगर लोगों की भीड़ अगर ज्यादा बढ़ती है तो उसके लिए पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है बाजार में। इसके साथ ही नगर निगम की टीम भी मौजूद है, जो भीड़ को नियंत्रित करने का काम भी करेगी। अभी संडे के दिन जो है काफी ज्यादा बाजार खुले होते हैं, जिस वजह से लोग अनावश्यक भीड़ बनाकर घूमते हुए भी नजर आते हैं, बेवजह घूमते हुए नजर आते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है लॉकडाउन लगाया गया था ताकि संक्रमण का खतरा थोड़ा सा कम हो, लेकिन अब देख के नहीं लगता कि संक्रमण का जो खतरा है वो अब थोड़ा भी कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो बेवजह बनी हुई है और भीड़ को देखते हुए संक्रमण जो है वो अपने आप आमंत्रित हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी लगातार घूम रही है बाजार में, ताकि बाजार में किसी भी तरह की लोगों को भीड़ ना बने और अव्यवस्था ना हो। इस वजह से यहाँ पर जो है लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था, लेकिन अब संडे भी अनलॉक हो चुका है और राजधानी रायपुर का ये नजारा है गोल बाजार का। कैमरामैन विक्रम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। बहुत खुशी की बात है जो हमारे लिए संडे खुला है, क्योंकि संडे से ही हमारी रोजी रोटी चलती थी। जो मंत्रिमंडल ने संडे खुलाया तो हमारे लिए हमारा घर संडे से चलता था, बाकी दिन तो हमारा धंधा होता नहीं है। क्या कहना चाहिए, ठीक है मैडम, बहुत दिनों बाद खुला है तो मार्केट तो है ही नहीं, खाली खाली लग रहा है। अब देखो पहला संडे है, इतने दिनों बाद खुला है तो आगे देखो क्या होता है। राजधानी रायपुर में संडे अनलॉक होने के बाद व्यापारियों का दर्द छलका है। व्यापारी बताते हैं कि उनकी रोजी रोटी सिर्फ संडे बाजार से चलती है, क्योंकि वे हर रविवार के दिन किसी भी दुकान के बाहर पुराने कपड़े बेचते हैं, जिसे गरीब महिलाएं और मजदूर खरीदते हैं। लेकिन पिछले 7 महीने से कोई कमाई नहीं हो पा रही है, सिर्फ संडे की कमाई से ही ये लोग पूरे एक हफ्ते का गुजारा कर लेते हैं। व्यापारी रूपा और बुधिया बताती हैं कि काफी समय से वे परेशान हैं, क्योंकि उनके रोजगार का जरिया एकमात्र यही है। हम लोग की अंदर नहीं लगाने दे रहे, वो बोल रहे हैं कि जाओ बड़े लोग से जमानत लेके आओ, तब हम लोग दुकान लगाने देंगे आपको। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग को यहाँ से हटा देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे मैडम। किराए में रहते हैं, गरीब इंसान है, बर्तन बेचते हैं, बस्ती से कपड़े पुराने लाते हैं, वही धंधा पानी हमारा है। ये 8-8 महीने से दुकान नहीं लग रही है, कर्जे पर कर्जा चढ़ गया है ले लेके। हम सोच रहे अंदर लगाने का सोच रहे, हमारी पुरानी दुकान वही है, शुरू से वही लगाते हैं। यहाँ पे तो बाजार में कोई को पता नहीं है कि कपड़ा बिच रहा, नहीं आ रहे हैं। और अब खबर